नमो नमः। कैवल्य उपनिषद के बारे में हम चर्चा विचारना विचार विमर्श करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा उसका जो आगे का जो प्रवचन था उसके बारे में हमने क्या क्या सोचा और क्या क्या हमने जो चिंतन मनन और निधिध्यासन किया उसके बारे में थोड़ा एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो पहले हमने देखा कि ये जो कैवल्य उपनिषद है उसमें जो ऋषि जो है बताते हैं कि श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आप उस ब्रह्म को पा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्म को पाने का मतलब आप यही समझिए कि जीवन में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीन चीज जीवन में है, बाहर का जीवन में है, और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो भीतर किया है। बाहर का जो आकाश है आप जिस दुनिया में रहते हैं इसमें आपको हेल्थ चाहिए। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि आप इस संसार को कैसे सुखरूप जी सकते हैं, तो पहले आपको श्रद्धा चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर भक्ति चाहिए, भक्ति का मतलब आप जुड़ जाइए। और जो तीसरी बात थी ध्यान। तो देखो आप लोग को मैं एक अच्छा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपने ध्यान शुरू किया? देखो जवाब है ना, वो कुछ भी हो तो संकल्प कीजिए कि आज से मैं ध्यान शुरू करूंगा या मैं आज से ध्यान शुरू करूंगी। यू मस्ट डू मेडिटेशन, अपनी भारतीय संस्कृति है। तो आपको थोड़ा समय निकालना होगा। फिर हमने आगे देखा तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जैसे शंकर भगवान की जो बात थी उसमें था ऐसा जो मैंने आपको ये जो बुक्स में बताया था कि उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु त्रिलोचनम नीलकंठम, जो नीलकंठ है तो कंठ कूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति। तो ये जो जीवन है उसमें आपको आगे बढ़ना है तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो ब्रेन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पिक्चर, उसके बारे में भी हमने ऐसे बहुत बातें किया। फिर जैसे हम आगे चले तो हमने देखा कि ये जो है तो आपके भीतर अनंत शक्ति है, जो अनंत शक्ति है उसके बारे में भी हमने देखा। और फिर थ्री बॉडीज के बारे में लास्ट हमने देखा कि भाई तीन शरीर है, तीन शरीर कौन सा है? तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जैसे लोग मुझे मिलते हैं और बताते हैं कि गुरुजी वो हम लोग सफल क्यों नहीं होते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि द सक्सेस लाइज इन योर सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड, जो आपका जो चित्त है उसमें जो संस्कार है उससे आपको सफलता मिलती है। तो आपको पहले क्या है कि देखो दो प्रकार के काम होता है, एक हार्डवर्क होता है और एक जैसे स्मार्ट वर्क होता है। तो वेन यू यूज ओनली द पावर ऑफ ब्रेन एंड माइंड, यदि आप ब्रेन की शक्ति से काम करेंगे, जैसे NLP रहता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो ब्रेन के बारे में है। फिर लोग माइंड के बारे में, माइंड पावर का जितने भी है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात करते हैं, तो वो जो है वो हार्ड वर्क है ऐसा। और भी स्मार्ट वर्क जो है वो क्या है, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका जो चैतन्य है, जीवन जो है, आप स्वयं के बारे में, ऐसे आप शरीर जो है और शरीर के भीतर जो चैतन्य है, इफ यू यूज योर पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसी को मैं बताता हूं कि ये जो स्मार्ट वर्क है तो उसमें क्या क्या चीज आती है, तो हम आगे ऐसे देख रहे हैं। तो आज का जो प्रवचन है वो मेरे हिसाब से आपके जीवन को बदल देगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूं वो मेरी बात है, मगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऋषि मुनियों ने जो अपने वेद का मतलब रहता है वो प्रभु की वाणी है। शास्त्र बताते हैं कि ये प्रभु की वाणी है, अपौरुषी है, किस पुरुष में, कोई व्यक्ति ने नहीं ये रचना किया है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, किसने बनाया? आप बता सकते कि मोबाइल इसने इन्वेंट किया, कंप्यूटर इसने इन्वेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब इसने इन्वेंट किया, मगर क्या मैं बोलूंगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे H2O पानी होता है, तो पानी का फॉर्मूला संशोधन कर चुकते हैं आप। मैं जो पानी जैसे है, जैसे मेरा जन्म हुआ, जैसे हम पहले से जमीन था, पानी था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पहले से मौजूद थे, ऑक्सीजन था ऐसा। तो ये जो चीज है, तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी मैंने एक श्लोक में बताया कि उस चैतन्य में से ऐसा, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर् ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। वो जो है आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो इस चैतन्य से हुई है। और वो चैतन्य कौन है? तो शास्त्र में क्या बताया, देखो मैं पढ़ता हूं,
ये जो बात है, ये परम ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है, सर्व का आत्मा है, समग्र विश्व का जो आधार है, समझ लो वो जो महान है, सूक्ष्म से भी वधु सूक्ष्म है, मिस इट इज वेरी सटल, आपका मन वहां नहीं पहुंच सकता। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, वो मन वाणी से परे है। तो क्या है कि आप क्या चाहते हैं, लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी हमको मालूम ही नहीं हम क्या चाहते हैं, तो मिला शुड नॉट वरी, चिंता मत करो, ऋषि मुनियों ने बताया, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ हनुमान चालीसा के ऊपर, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जब आपने कर दिया है तो एक के बाद आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे, जीवन को बदलने वाले हैं। तो ये जो बात है, तो हनुमान चालीसा में क्या बताया, जो दायक फल चार, चार फल का मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार फल है। तो प्रथम शरीर को आपको दृढ़ करना है, फिर द्वितीय धन की उपार्जना करना है, कामना की पूर्ति करना है, और प्रभु की भक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है। ये चार पुरुषार्थ आपको करना है। लोग क्या करते हैं, जैसे मैं प्रवचन सुनता हूँ और मैं प्रवचन देता हूँ, तो कभी कभी मुझे पूछते कि गुरुजी क्या होता है कि ज्यादा करके लोग, जैसे गुरुजी लोग प्रवचन देते हैं तो वही बताते आत्मा के पीछे पढ़ो। मैंने बताया आत्मा के पीछे क्यों पढ़ने का, आप स्वयं ही शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण चैतन्य है, आप कौन है। जैसे मैं अभी श्लोक बोलता हूँ आपको भी आनंद आता है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं कौन हूं, चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो हम। यदि आपको स्वयं के बारे में ज्ञान हो जाएंगे तो फिर आत्मा के ऐसे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, लोग मुझे पूछते हैं कि ये हम शरीर है या आत्मा है, तो मैं ऐसे बताता हूं कि यू आर द सोल एंड सोल हैज ए बॉडी, आप आत्मा है और आत्मा का शरीर है, शरीर का आत्मा नहीं होता है। तो ऐसे आप जो है वो परब्रह्म परमात्मा है, वो क्या बताए, तत्वमेव त्वमेव, वो आप जो है वो ऐसा, वो आप ही है, वो परब्रह्म है। ये यदि ज्ञान हो जाता है, मैं आपसे सही बताता हूं, यदि ये ज्ञान किसी को हो गया तो विद्यार्थी लभते विद्या। यदि कोई स्टूडेंट को ये जो मेरी मेरा वीडियो जिसे कैवल्य उपनिषद का पूरा एक के बाद आपको देखना है, और फिर क्या है मालूम है, उसके अनुसार आपको देखो, यू हैव टू प्रैक्टिस। देखो कर्म जो करना है वो आपके हाथ में, मैं मार्गदर्शन देता हूँ, और मेरा जो मार्गदर्शन है वो आपके जीवन को बदलता है। तो आपको वो परिवर्तन लाना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, मैं मुंबई में रहता हूँ तो मराठी में कभी मेरा लेक्चर होता है, मैं ज्यादा करके मैं हिंदी में लेक्चर देता हूँ, तो उसमें है कि स्वतः साठी वेढ़ गया, अपने स्वयं के लिए स्वयं निकालो। देखो कम से कम आप जो जिस शरीर से आप जीना चाहते हो, जिस शरीर से आप घूमना चाहते हो, खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो ये जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर एक को प्रयत्न करना चाहिए। तो वो जो बात है तो मैंने आपको बताई, अभी हम आगे चलते हैं। तो प्रथम शरीर को आपको दृढ़ करना है, फिर धन के बारे में, यदि आपने सन्यास ले लिया है, एक बार एक सन्यासी जी थे, वो बड़े विद्वान थे और उन्होंने बहुत साधना किया था, तो मेरे बारे में उनने सुना, तो वो क्या है कि हरिद्वार से मुझे मिलने के लिए आए, तो मैंने बोला स्वामी जी आपने सन्यास लिया है तो आप बताइए आपका क्या प्रश्न है। तो उन्होंने बताया हमारा जो आश्रम होता है ना उसको लाइट बिल भरने का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने बोला देखो आश्रम है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, तो बोलते कि हमने सन्यास ले लिया है मगर ये जो गृहस्थी लोग है उसको थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है क्योंकि अपना आश्रम का लाइट बिल भरना है, ये करना है। तो सरलता से धन मिले ऐसी कोई बात होती है, मैंने ऐसे सुना है कि आप जो है तो वेदों के आधार से श्रेष्ठ जीवन जिए, वो कैसे बताता है, मैंने उनको तीन बात बताई, शब्द विचार और दृश्य। फिर उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे देखो क्या होता है कि मेरा नाम गुरुजी है, लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी कैसे पढ़ गया, तो मैं बचपन से लोगों को ज्ञान देता हूँ, तो जैसे मैं इधर से पसार होता हूँ ना पास होता हूँ तो लोग बोलते हैं गुरुजी जा रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चे को बिस्किट बांटता हूँ, फिर जैसे गर्मी की सीजन में बच्चे लोग रहते हैं उसको चप्पल देता हूँ, और कभी कभी ये जो बातें रहते हैं बच्चे लोगों को आइसक्रीम खिला देता हूँ। कभी क्या होता है कि बच्चे लोग गाँव में बात करता हूँ तो वहां लोग बच्चे लोग रहते हैं उनको क्या होता है कि भाव रहते हैं, तो लोग गुरुजी गुरुजी बोलते हैं, तो फिर बड़े लोग भी रहते हैं वो गुरुजी बोलते हैं। तो हम आगे चलते हैं।
तो ये जो बात है, तो उसमें जो बताते हैं कि शास्त्र बताते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो तीन चीज है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उसके बारे में हमने देखा। अभी हम आगे जाते हैं कि तीन लोक में, इसमें है त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग च यद भवेत तेभ्य विलक्षण साक्षी चिन्मात्र अहम सदा शिव चिन्मात्रो अहम सदा शिव। देखो श्रावण महीना गया, अभी भाद्र पक्ष ऐसे शुरू है, ऐसे बता रहा हूं। तो आपने शिव जी की बहुत पूजा किया, माने गुरु जी क्या बताते हैं कि आप स्वयं शिव है। तो बोले गुरु जी आप क्यों बताते हैं, तो वेद बताते हैं, कैवल्य उपनिषद पढ़ लीजिए, उसमें जो 18th श्लोक है, 18वां श्लोक है वो पढ़िए, उसमें लिखा है चिन्मात्रो हम सदा शिव, आप शिव है। तो लोग बोलते हैं गुरु जी शिव कैसे, हम लोग तो ऐसे मानव है। तो मैं बताता हूँ, मानव जो है शास्त्र में, देखो मेरे साथ बोलिए, जीवो ब्रह्मैव नापरा, फिर से बोलिए जीवो ब्रह्मैव नापरा, तीसरी बार बोलिए जीवो ब्रह्मैव नापरा, उसका मतलब जो आप जीव है ना वो ब्रह्म है। तो फिर आप तो शास्त्र बताते हैं, आप जो ऐसे बताते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति है उसको हमको आगे ले जाना है, विश्व गुरु की ओर ले जाना है, तो विश्व गुरु तब बनेंगे जब आपको उस संस्कृति का ज्ञान होगा। लोग मुझे बोलते हैं गुरु जी हम आसन प्राणायाम करेंगे, तो मेरा जो प्राणायाम का जो वीडियो है ना वो देख लेना, क्या होता है कि प्राणायाम सही तरह से करेंगे तो फिर आपको परिणाम आएगा। तो ये जो वीडियो है जो कैवल्य उपनिषद का है, तो उसमें आत्मा के बारे में हम लोग जो कॉन्शियसनेस, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है कि ये जो है आप सदाशिव है, मेरे साथ बोलिए सदाशिव अहम, मैं सदाशिव हूं। कौन से लेवल से, अभी क्या होता है तीन लेवल है। देखो पहला लेवल है फिजिकल बॉडी, मैं जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको तीसरी दृष्टि से देखता हूँ, वो जो तीसरा नेत्र है ना शंकर भगवान का, वो तीसरी दृष्टि है। पहली दृष्टि वो स्त्री या पुरुष है तो मैं उनको देखता हूँ, फिर दूसरी दृष्टि देखता हूँ उनके अंदर जो जीव है जो जन्मता है और मरण होता है, तो जन्म मृत्यु वाला जीव, और तीसरे में न जन्मता है न मृत्यु, ऐसा है कि भाई न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। तो वो जो चीज है वो थर्ड आई का मतलब ऐसे मत समझो। लोग मुझे मिलते होते गुरु जी ये जो तीसरी आई आंख खुल जाती है तो क्या होता है, कोई चमत्कार होता है? मैंने बोला देखो तीसरी आंख का मतलब आप समझे नहीं, तीसरी आंख का मतलब है थर्ड डायमेंशन आपका, यू आर फर्स्ट डायमेंशन, यू आर द ग्रोस बॉडी, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है। फिर जो सेकंड डायमेंशन है उसमें कौन सा है, तो जो स्वप्न आता है वो जो आपका है वो सेकंड डायमेंशन है। फिर थर्ड डायमेंशन में आप प्रभु है, उसको बोलते हैं विभु भी बोलते हैं, सदाशिव भी बोलते हैं। हम आगे चलते हैं, अभी जो बात ऋषि मुनि बताते हैं, मई एव सकलम जातम, इस जो भी सृष्टि में जो निर्माण हुआ है वो मैंने निर्माण किया है। तो यदि आपको हेल्थ का निर्माण करना है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, इफ वेल्थ का क्रिएट करना है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। लोग मुझे बोलते हैं कि गुरु जी ये जो वेल्थ है क्या प्रारब्ध के हिसाब से होता है? तो मैंने बोला प्रारब्ध क्या है, देखो आपने रात को चपाती बनाया, सुनो, और आपने खाया, खाना नहीं खाया तो चपाती आपने रख दिया, तो दूसरे दिन वो चपाती किधर जाएगी? अरे वहां ही रहेगी। ऐसे ही जो आपने कर्म किया है वो जो कर्म का जो परिणाम होता है उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। तो प्रारब्ध कुछ है नहीं, समझ लो, जैसे मैं अपनी भाषा में समझा तो एकदम सिंपल वे में कि गेहूं होता है और चपाटी होती है, अभी समझ में आया? तो जो गेहूं है वो कर्म है और चपाटी वो फल है, प्रारब्ध है। तो क्या अकेले बिना गेहूं क्या चपाटी हो सकती है? तो बिना कर्म कोई प्रारब्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करही तो तस फल चाखा। आपको कर्म जो है उसके बारे में बराबर ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप कर्म में ध्यान रखते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका जीवन बदलेगा। तो ये जो है हम आगे चलते हैं, सर्वम लयम याति तद ब्रह्म अस्मिन् अहम्,
ये जो बताए मयम सर्वम लयम आती, देखो ये जो कॉन्शियसनेस है, लोग बताते हैं कि ये जैसे मैं कभी मेरा जो ऐसे मंदिरों में प्रवचन होता है कभी, तो एक बार मेरा अष्टावक्र जो गीता है उस पर प्रवचन था और वो प्रवचन 20 दिन तक चला था। सुनो लंबा चलता है क्योंकि वो समझाना रहता है। ये जो वीडियो रहता है मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आपका भी एक धैर्य रहता है। मैंने ऐसा बोला कि रिटेंशन, आप एक आदमी एक वीडियो पे कितना टिक पाता है उसको बोलते हैं रिटेंशन, कितना टिक पाता है। तो ऐसा जो रेट है वो कम है, इसलिए मैं भी लोगों को बताता हूँ कि भाई वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट, कभी भाव आ जाता है तो फिर ज्यादा लंबा हो जाता है। आप जरा सुनो, ऐसा पूरा वीडियो देखना, बीच में स्किप मत कर देना। अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है तो आप स्किप करते हैं, तो प्रेम भाव से सुना, टाइम निकालिए। तो क्या होता है कि अभी देखो कि ये जो बात है आप में से प्रकट होता है और आप में लय हो जाता है तो आपको जीवन, हु विल चेंज योर लाइफ, यू विल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर प्रॉब्लम एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सोल्यूशन। भगवत गीता का एक अच्छा श्लोक है और शास्त्र में बात बताते कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये जो मन मन है ना, तो मन से परे है। मैं मन, लोग मुझे बोलते हैं मन अपने कंट्रोल में नहीं होता है, तो मैं लग, कौन सा मन, किसका मन, आपका मन है। तो मन और आप अलग अलग है, आप मन नहीं है। यदि स्कूटर जरा खराब हो जाता तो आप नहीं बोलते कि मैं खराब हो गया। तो मन कंट्रोल में नहीं रहता है, मीन्स आप तो कंट्रोल में है। कौन जानता है कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं रहता है? तो जो ऋषि मुनि जो बताते हैं, मैं आगे आपसे अच्छी बातें ऐसे बताता हूं, तो बताता है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, फिर ये महतो महियान, आप महान से भी महान है, यू आर द मोर पावरफुल, यू आर द मोर पावरफुल। तो ये जो बातें हैं, तो आप जो है वो ज्योतिर्मय है, यू आर द पावर। ऐसे मेरे साथ बोलिए, आई एम पावर, आई एम पावर, आई एम हेल्थ, जो हेल्थ आप है, आई एम वेल्थ, आई एम हैप्पीनेस, आई एम द डिवाइन सोल, मैं दिव्यात्मा हूं, मैं दिव्यात्मा हूं, मैं दिव्यात्मा हूं, ऐसा आपको चिंतन करना है। फिर ये जो बात रहता है, तो आप सर्वदा चित स्वरूप है, आपका जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति का मतलब है प्रकाश, आपका जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में बहुत प्रकाश होगा, आपके जीवन धन्यता के अनुभव करेंगे। अभी क्या होता है कि ये जो कैवल्य उपनिषद है उसमें फल बताता है, तो मैं क्या फल है मैं आपसे बताता हूं। देखो शास्त्र में क्या है कि ज्यादा हम लोग सुनते हैं ना, तो ये जो बताते हैं, न भूमि न रापो न च वह्नि, ये आप कौन है, तो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। तो अभी आपको आत्मा का ज्ञान हो गया, मेरे साथ बोलिए, मैं दिव्यात्मा हूं, मैं दिव्यात्मा हूं, देव मैं दिव्यात्मा हूं, उसको ध्यान करना है। आपकी स्थिति कौन सी है? इफ यू आर ए स्टूडेंट तो बोलिए आई एम द क्लेवर स्टूडेंट। मैंने एक मंत्र बताया था, विद्याबलम विद्याबलम विद्याबलम, विद्या का बल मिल जाता है। धनाबलम धनाबलम, धन मिलता है। योगबलम योगबलम, यदि भुज बल चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, भुजबलम भुजबलम, माता जी का पाठ है। तो अभी हम, मैंने जो ये प्रवचन किया उसका सारांश बता देता हूं। तो मैंने आपको जो जो बताया उसमें यही बात थी कि यू कैन चेंज योर लाइफ। देखो असतो मा सदगमय, ये जो नर है वहां से यात्रा कब तक होती है? नर से नारायण तक होती है। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से आप अमृत की ओर ले जाते हैं। तो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। अभी जैसे मैंने कैवल्य उपनिषद के बारे में बताया, तो मेरा उपनिषदों के बारे में भी एक के बाद एक चैनल में मैं वीडियो रखता जाऊंगा। और यदि आपको कोई और बात है, प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए कि गुरुजी हमको इसके बारे में जानना है, तो मैं ऐसे प्रयत्न करूंगा। और आपको क्या है कि वो ज्ञान देने के लिए मैं कटिबद्ध हूं, आई एम द रेडी टू गिव यू द नॉलेज। तो अभी आशीर्वाद की जब बात करता हूं, तो आप आंखें बंद करना है। जब हम मंदिर में जाते हैं, लोग बोलते हैं हम जैसे क्या है कि मंदिर में जाते हैं, तो मैं बोला मंदिर में आंखें खोल के दर्शन करते हैं, बोलते नहीं गुरुजी, जैसे ही हम भगवान को देखते नहीं, आंखें बंद करके प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो मैं बताता हूं, बस यही बात है, आप आंखें बंद करके जो प्रभु की वाणी सुनते हैं।
तो उस प्रभु की वाणी सुनाई देती है जिसकी कोई भाषा नहीं है, उस प्रभु की पद की ध्वनियां सुनाई पड़ती है जिसका कोई पैर नहीं है। तो ये जो प्रभु की है, उस प्रभु का स्पर्श होता है भाई, जिसका कोई शरीर नहीं है। तो आशीर्वाद का मतलब यही होता है कि आप जो शब्द है वो मेरे है, मगर भाव आपके माता पिता का है। कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा जो पुत्र है वो दुखी हो जाए? कौन प्रभु चाहता है कि मेरे जो भक्त है दुखी हो जाए? तो आप माता पिता या गुरु जो है उनका स्मरण कीजिए, आंखें बंद करके उसकी मूर्ति को सामने लाइए और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे भाव कीजिए। और मैं जो बोलता हूँ आप सुनिए, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। अस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु।